सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड बट चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल पे ऐप से कोई भी मोबाइल नंबर रिचार्ज कैसे करते हैं। गूगल पे से मोबाइल नंबर रिचार्ज करना बहुत ही आसान है। इसके लिए गूगल पे पर अकाउंट होना जरूरी है। गूगल पे पर रजिस्टर्ड कैसे करते हैं और बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। अपने गूगल पे ऐप को ओपन कर लेंगे। अब यहां आपको न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहां आपको मोबाइल रिचार्ज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर पूछेगा। यहां वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपको रिचार्ज करना है। यहां से आप किसी भी कंपनी का मोबाइल नंबर रिचार्ज कर सकते हैं। अभी मैं जियो का नंबर रिचार्ज करके बता रहा हूँ। चलिए मैं नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ निकनेम डाल देंगे। ये नंबर मेरे मोबाइल में पहले से सेव है, इसलिए यहाँ निकनेम ऑटोमेटिक ले लिया है और यहाँ मोबाइल ऑपरेटर और सर्किल जोन भी ऑटोमेटिक ले लिया है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब पेज को स्क्रॉल करके प्लान सेलेक्ट करना है। आप जो भी नंबर रिचार्ज करेंगे उसके प्लान यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। आपको जो प्लान रिचार्ज करना है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो प्लान सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट रुपए भी डाल सकते हैं, जितने रुपए का आपको रिचार्ज करना है तो भी आपका रिचार्ज हो जाएगा। मैं जियो का नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ जियो के सभी प्लान शो हो रहे हैं। मुझे ये 399 रुपए का प्लान रिचार्ज करना है। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर आपने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐड कर रखे हैं तो यहाँ से वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट से रुपए पेड करने हैं। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे। अब UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। ये देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ देर वेट करना होगा। ये देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। इसके ऊपर क्लिक करके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ आपको रिचार्ज की फुल डिटेल मिल जाएगी। आपने रिचार्ज किस डेट में किस समय किया, किस UPI ID से किया, किस बैंक अकाउंट से किया, पेमेंट किस बिलर को गया और ट्रांजेक्शन ID क्या है, यहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको गूगल पे से रिचार्ज करना आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।